नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की घोषणा होने के बाद लगातार बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या इसका फॉर्म जो है वो दोबारा भरना पड़ेगा, और एक दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि सर मैं पेपर देने नहीं गया था, क्या मैं दोबारा एग्जाम में बैठ पाऊंगा या नहीं बैठ पाऊंगा। देखो बच्चों, मैं आपको एक क्लियर शब्दों में बता दूं कि कभी भी पेपर कैंसिल होता है तो एक बार ही फॉर्म भराया जाता है, दोबारा फॉर्म नहीं भराया जाता। वो सारे बच्चों का एडमिट कार्ड जारी होता है जिन्होंने क्या किए होते हैं, जिन्होंने आवेदन किए होते हैं या जिनका एडमिट कार्ड पहले आया होता है। तो ऐसी बात के लिए आप लोग फालतू में परेशान मत होइए, दिमाग में उआपोह की स्थिति मत बनाइए कि हम पेपर देने नहीं गए थे, हम दोबारा बैठ नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सभी लोग एग्जाम में बैठ पाओगे और दोबारा ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं भराया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों, आप लोग यहां पे आंदोलन करके री एग्जाम करवा लिए थे और माननीय योगी जी ने आपसे यह भी बता दिया था कि 6 महीने के अंदर पेपर करा लेंगे। 6 महीने के अंदर बोला है, 6 महीने के बाद में नहीं बोला है। तो भैया, जो लोग कहीं ट्रिप पे निकल गए हो, जो हो सकता है प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में चले गए हो, कुछ लोग देश छोड़ के चले गए हैं, जो उनको मैं बता दूं कि लौट आइए और दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि 6 महीने के बाद नहीं, इस बार ये एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, आपके पेपर की घोषणा फिर से कभी भी हो सकती है और हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में आपका नया एग्जाम डेट आ जाए। तो अभी फिर वही स्थिति आप लोग मत बना लीजिए कि पहले आराम करिए फिर भागते मिले, ऐसा ना आपका काम बने, ऐसा ना आपका हो जाए कि फिर आपकी तैयारी फिर आधी अधूरी रह जाए। जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है बेटा, एक बात ध्यान देना कि 50 लाख में जो सिलेक्शन होगा वो 60,244 बच्चों का ही होगा। तो यहां पे जो मस्ती कर रहे हो ना, पारी कर रहे हो आप लोग, वो दोबारा से अब अगर इस मौके को गवाए तो ये मान के चलिए कि इतना अच्छा मौका आपके पास नहीं आने वाला है। इसलिए सभी से बोल रहा हूं कि एग्जाम हो गया है, पार्टी करने के लिए नहीं हुआ है, आप लोग आइए दोबारा पढ़िए। टीम परीक्षा प्लस ने आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स भी इस बार निकाला है, जब आपका रीएग्जाम होना है, इंकलाब बैच के नाम से निकाला है रीएग्जाम, और मात्र 399, जिसमें फिर से पूरी लाइव क्लासेस, सारे स्टडी मटेरियल, सारे टॉपिक टेस्ट, सारे कंप्लीट टेस्ट, और इसकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम की डेट तक होगी। इसमें तमाम ये किताबें मिल रही हैं, इसमें जो आपके बोल सकते हो कहां से आपको लेना है, तो परीक्षा प्लस ऐप पे जाके इस प्रकार से सारी चीजें लगी होंगी, वहां से आप ले सकते हो। आपकी जो पढ़ाने वाली टीम होगी वो ये सारे आपके जो प्रिय अध्यापक है एक बार दोबारा आपको पढ़ा रहे होंगे, और जो आपका टाइम टेबल होगा सुबह 8 बजे से लेके यहाँ पे 11 से 12, सुबह 8, 9, 10, 11 लगातार 4 क्लासेस प्रैक्टिस की अभी से चलेंगी मॉक टेस्ट की, और 5 बजे मानसिक अभिरुचि, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा रोल था मानसिक अभिरुचि के आपके पेपर में, और ये आपके पेड क्लास का टाइम टेबल है। इसका फोटो खींच लो, जैसे नाग नागिन खींच लेते हैं है ना, वैसे आप भी फोटो खींच लो और इसे अपने जहन में बसा लो, अपनी तैयारी इसी प्रकार से शुरुआत कर दो। इसके अतिरिक्त यदि ऐसे और कोई उठपटांग प्रश्न आपके हो तो आप हमसे बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब और से कर लीजिएगा, और मैं फिर से बोल रहा हूं अपनी तैयारी फिर से चालू कर दीजिए। कल यानी मंडे से फिर से 8 बजे से लेकर आपका 12 बजे तक प्रैक्टिस सेशन, और ये जो आपकी क्लासेस हैं ये आपका 10 मार्च से क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दी जाएंगी। चलिए फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।